गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे बैच डेटा स्ट्रीमिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीम डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का सिलेबस में है कंसिस्टेंसी और आउटलायर। तो देखिए, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, और पहले इनकंसिस्टेंसी समझिएगा तो क्या है इनकंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी भी आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज के लिए है। एक मिनट, सभी आ रहे हैं, एक मिनट स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। दो तरह का होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड, एक सेंट्रलाइज्ड। जब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करते हैं तो दो तरह का एरर आने का पॉसिबिलिटी होता है। एक रिडंडेंसी, रिडंडेंसी में मतलब क्या था, एक ही डेटा मल्टीपल फाइल में स्टोर हो रहा हो या एक ही डेटा मल्टीपल प्लेस पे दिख रहा है, दैट इज द रिडंडेंसी हुआ। बट What is the meaning of inconsistency data? Inconsistency मतलब क्या होगा यहाँ पे? कोई भी बताइए। Redundancy, रीता किसको, तुम्हारा माइक ऑन है, अगर बोलना है आपको तो आप बोलिए, अदरवाइज माइक ऑफ कीजिए आप। रीता देखिए, inconsistency मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन का डेटा मल्टीपल प्लेस पर हो, मतलब कि एक ही पर्सन है उसका कंप्लीट नहीं, मतलब पार्सली कुछ यहाँ पर है फाइल में, पार्सली कुछ अदर फाइल में, पार्सली कुछ अदर फाइल में, दैट इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट एक है जिसका मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट वो सीएस में है, एक सी एस सब्जेक्ट मैकेनिकल में, एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में है, तो उसका जो पूरा सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन है वो कितना कितना परसेंटेज मार्क्स स्कोर किया, तो वो क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, अलग 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 डिपार्टमेंट के डेटाबेस में होगा। तो उसका मान लीजिए कि एक जगह कंप्लीट नहीं आ रहा जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड के पास ही है, मतलब तो उसका क्या हुआ, उसका इनकंसिस्टेंट डाटा है, मतलब कि उसका एक एक मिनट स्क्रीन स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इन मतलब एक परसेंट प्लेस तो अब है इनकंसिस्टेंसी की बात। आपका एक टर्म है आउटलायर, आप लोग को पूरा हेलो 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 आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो आउटलायर, आउटलायर क्या है कि, हाँ ठीक है, आउटलायर मतलब कि
एक ऐसा डेटा आपके पूरा एक डेटा सेट में एक ऐसा डेटा जो कि आप उससे मैच नहीं खा रहा हो, मतलब कि एक बहुत ही अचानक बहुत ज्यादा बड़ा डेटा, या अगर वो बहुत बड़ा डेटा का ग्रुप है, डेटा सेट है, तो बहुत ही एक स्मॉल डेटा उस डेटा सेट में हो, दैट इज द आउटलायर। उसका आउटलायर का जो हम लोग वर्क होता है, जैसे कि फ्रॉड फाइंडिंग आउट करने के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देख सोचिए। एक मान लीजिए कि वो एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स है, जो हर एक मंथ में लगभग 10 to 15,000 खर्च करता है, कभी 10,000 खर्च किया, कभी 11,000, कभी 12,000, मैक्सिमम उसका 15,000 जा रहा है, इस तरह से रेंडम उसका डेटा सेट बन रहा है। लेकिन अगर उसके फ्रॉड होता है, उसका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, मतलब कि जो कोई थर्ड पर्सन उसका किसी का क्रेडिट लिमिट 1.5 लाख का है या 2.5 लाख होगा, आपके जो डेटा है उसमें अचानक एक बड़ा डेटा आ रहा है, दैट इज द आउटलायर, मतलब कि वो आपके डेटा सेट का पार्ट नहीं है। तो उसी को फाइंड आउट करने का हम लोग स्टडी करना है, और वो डिफरेंट टेक्निक्स है उसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम मैं थोड़ा सा आउटलायर क्या है उसको डिफिनेशन के साथ, इसमें एक बॉक्स टेक्निक है, और बॉक्स टेक्निक बोलते हैं या फाइव न्यूमरस टेक्निक बोलते हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट सर, आवाज बहुत कट रहा है सर, सुनाई नहीं जरा, बीच बीच में कट रहा है क्या आवाज? हेलो, यस सर, यस सर, ठीक, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो हम लिखते जाते हैं, तो लिखते जाएंगे ना तो आप लोगों को क्लियर होते जाएगा, तो उसमें इशू नहीं आएगा। फर्स्ट टॉपिक डिफिनेशन, व्हाट इज द आउटलायर? आउटलायर an outlier is an extremely high or extremely low value in our data, मतलब कि आपके डेटा सेट में एक्सट्रीमली कोई हाई वैल्यू होगा या एक्सट्रीमली एक लो वैल्यू होगा, दैट इज द आउटलायर। तो हम लोग इसको आउटलायर को फाइंड आउट करने का टेक्निक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक बॉक्स टेक्निक, बॉक्स मेथड, या इसी को कहते हैं फाइव न्यूमरियस मेथड, फाइव न्यूमरियस मेथड, दो बॉक्स टेक्निक या फाइव न्यूमरियस मेथड। इसमें फाइव न्यूमरियस मेथड या बॉक्स टेक्निक में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, फर्स्ट आपका डेटा सेट को जो है लिखने के बाद, फर्स्ट तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है डेटा को। डेटा को अरेंज करने के बाद फर्स्ट मिनिमम वैल्यू, सेकेंड इज मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड वर्क जो है आपका वन फाइंड आउट करना है, फोर्थ जो आपका का वर्क है क्यू थ्री फाइंड आउट करना है, फिफ्थ की जो है आई क्यू आर, एक मिनट, आई क्यू आर इज नथिंग बट इनर क्वाड्रेंट रेंज, इसको बोलते हैं इनर क्वा ड्रेंट रेंज, जो कि होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन। अब ये क्या है, कैसे है, मैं और बता रहा हूँ, क्यू वन क्या होगा, क्यू थ्री क्या होगा, आर क्यू आर कैसे निकलेगा। इसके बाद ये जब आप कर लेंगे, ये पांच स्टेप आपको करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, एक मिनट, Yeah.
enter Q3 plus 1.5 IQR. जो हमारा जो डेटा सेट होगा वो इससे ज्यादा हो सकता है. अगर इससे जो ज्यादा होगा दैट इज द आउटलायर होगा. और लेस देन Q1 माइनस 1.5 IQR. जो हमारा डेटा सेट है डेटा सेट में उससे इससे लेस वैल्यू नहीं होगा. अगर वो इससे लेस देन कोई वैल्यू है दैट इज द आउटलायर होगा. फर्स्ट क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को सेट करना है अरेंज करना है. उसके बाद मिनिमम वैल्यू लिखना है. उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू लिखना है. उसके बाद Q1 उसके बाद Q3 उसके बाद IQR. तो Q1 क्या है Q3 क्या है ये है. और उसका जब Q1 Q3 निकल जाएगा तब आपको निकलेगा IQR. मान लीजिए कि कोई एक डेटा सेट है मैं लाइन के थ्रू बता रहा हूँ. मान लीजिए बॉक्स है रूप में है एक डेटा सेट ये कम्प्लीट है. एक डेटा सेट है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आपका एक कम्प्लीट डेटा सेट है ठीक है. तो इसका फर्स्ट क्या होगा मिड निकलेगा. मिड 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 वैल्यू कहीं होगा. मान लीजिए कि आपका ये 13 वैल्यू है तो 6.5 मतलब 7th जो पोजीशन है वो मिड होगा. ये 7th पोजीशन मिड वैल्यू निकला. तो ये मिड निकल गया. मिड निकलने के बाद मिड के पहले मैं उसके पहले वाले हाफ में आप एक फिर मिड निकालेंगे. तो ये 7th वैल्यू निकल गया था. 7th का फिर मिड निकलेगा 3.5 Q1. ये Q1 हो गया. उसके बाद सेकेंड हाफ में फिर मिड निकालेंगे. सेकेंड हाफ के लिए मिड निकालेंगे तो ये देखिए Q1 हुआ ये Q2 होता है और सेकेंड वैल्यू जो मिड निकला इज द Q3. Q3 जब ये निकल गया जब ये Q3 निकल गया तो आपको Q1 Q3 निकल गया तो इस दोनों का डिफरेंस IQR फाइंड आउट हो जाएगा. अब ये स्टार्टिंग वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है तो Q1 माइनस 1.5 IQR मतलब इससे जो लेस्ट होगा उससे जो लेस्ट होगा इसी को हम लोग बॉक्स बोलते हैं. ये जो बॉक्स ये रेंज है ना आपका बॉक्स है डेटा का डेटा सेट का बॉक्स है. इससे नीचे जो होगा वो हमारा लेस देन इससे जो पॉसिबल वैल्यू होगा जो वैल्यू लेस देन आएगा उससे लेस कुछ भी होगा मतलब कि इससे कुछ ये जो वैल्यू डिफाइन करने के बाद ये कहीं पर आ रहा है तो उससे जो लेस होगा दैट इज द आउटलायर होगा. ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से कुछ वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद इसी के पास आएगा या इससे ज्यादा आएगा. इससे ज्यादा कुछ वैल्यू कुछ हो रहा है दैट इज द आउटलायर होगा. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डेटा सेट उससे ही हम लोग देखते हैं. यहाँ तक किसी को समझने में कुछ डाउट है तो पूछिए. एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो आप ऑड नंबर लिए तब ठीक है 7th पोजीशन ले लिए. इवेंट नंबर रहेगा तो क्या होगा. मान लीजिए कि इवेंट नंबर रहता टोटल डेटा सेट 14 है तो 14 का 2 नहीं निकलेगा. तो यहाँ पर जो आपका सॉरी तो दो वैल्यू जो बीच में जो मिडिल में दो वैल्यू आएगा उसका मीन ले लेंगे. और इसी तरह यहाँ पर दो वैल्यू जो मिडिल में आएगा उसका मीन ले लेंगे दैट इज द Q1 हो जाएगा. Q1 Q2 और Q3 उस तरह निकलेगा. एक एग्जांपल लेते हैं. यहां तक इन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए. एक डेटा सेट है जो डेली फोन कॉल्स का नंबर ऑफ फोन कॉल्स है नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव कर रहा है उसका डेटा सेट है. मान लीजिए कि किसी दिन डे वन को 12 फोन कॉल रिसीव होता है फिर 11 फोन कॉल रिसीव होता है फिर 15 फोन कॉल रिसीव होता है फिर 11 फिर 14 फिर 13 फिर 17 फिर 12 14 और 11 इस तरह का आपका डेटा सेट है. मान लीजिए डे वन को होता है ये डे टू को 12 डे थ्री को 11 डे फोर को 15 इसी तरह आपका डे 6 डे 7 डे 8 डे 9 डे 10 डे 11 डे 12 डे 13 को 11 कॉल रिसीव होता है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है बाबू हम लोग को वो पाइप मेथड में से नहीं है. फर्स्ट हमारा वर्क क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है सारे डेटा को. तो 11th फिर 11 एक दो फिर 11 10 भी है 10
आप लोग भी देखते जाइएगा 10 11 11 11 कंप्लीट। अब उसके बाद आप 12 कंप्लीट, 13 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, 14 कंप्लीट, उसके बाद 15, उसके बाद अच्छा 12th दो है, 2 times 12 है, 12 15 14 भी हो गया, 2 times 14 है 14, उसके बाद 12th 2 times, उसके बाद 17, उसके बाद 22। कोई मिसिंग कर रहा है डेटा बताइए आप लोग, कोई मिस कर रहा है डेटा? आई थिंक नहीं। कितना है? 1 2 3 4 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेटा सेट है, ठीक है। तो ये आपका 12th है और ये आपका पूरा डेटा सेट असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू 22 आपका लिखा गया मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो आपका जो आउटलायर होगा आइदर मिनिमम हो सकता है, मिनिमम वैल्यू हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। देखिए आपका डिफिनेशन ही है कि एन आउटलायर इज एन एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यू इन आवर डेटा सेट। वो मीडियम मीडियम वैल्यू नहीं होता, वो एक्सट्रीमली हाई या थर्ड पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट निकालते हैं। मिडिल पॉइंट निकलेगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर ये 6, ये दोनों होगा 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 5। अब ये दोनों का मीडियम निकालिए, इतने का मीडियम निकालिए, मान लीजिए कि ये 6 6 इधर साइड हो गया, ये यहाँ पर लिख दिए, एरो लाइन दे दिए, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ का मिडिल पॉइंट देखिए, अब फर्स्ट हाफ का देखिए 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 और ये 3, तो कोई मीडियम वैल्यू नहीं निकल रहा है। तो ये दोनों का जो मीन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 11। तो Q1 आपका क्या निकला, 11। फोर्थ पॉइंट, अब यहां पर देखिए 1 2 3 और ये 1 2 3, तो ये दोनों यहाँ पर कोई मिडिल वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जो नियरेस्ट वैल्यू है दो उसका मीडियम निकालिए, ये दोनों का मीडियम निकालिएगा। तो Q2 इज इक्वल टू 14 + 15 अपॉन 2, कितना आएगा जी, 29 अपॉन 2, 14.5 Q2 निकल गया। आप देखिए फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, IQR निकालना है, IQR निकलेगा 3.5 Q3 + 1.5 IQR। Q3 क्या है जी, Q3 हमारा 14.5 + 1.5 × 3.5, लेस देन क्या होगा, Q1 − 1.5 × 3.5, तो Q1 क्या है हमारा 11, 11 − 1.5 × 3.5। कैलकुलेट कीजिए, बताइए आपको यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई बताइए कैलकुलेट।
कैलकुलेट करके बताइए, मैं भी कर रहा हूँ। 19.75 फर्स्ट वाले में, 19.7 हाँ सेकंड वाले में क्या आएगा? 5.75 तो देखिए आपका जो बॉक्स था वो 5.75 से लेके 19.75 इस बीच में जो डेटा है वो रियल डेटा है, अदरवाइज आउटलायर है। तो ये आपका जो लेस देन टू जो मिनिमम है वो 10 है, बॉक्स अंदर आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो 22 वो है बॉक्स के बाहर। इट मींस 22 विल बी आउटलायर। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई डाउट है तो पूछिए फिर से, मैं इसको रिपीट करूंगा, पर कोई डाउट है किन्हीं को? पूरा सिलेबस में यही एक जगह मैथमेटिक्स है जी। सर सिलेबस नहीं समझ में आता सर, सिलेबस ही उल्टा पुल्टा है। तुम एनपीटीएल का वीडियो देख लो, एनपीटीएल का लेक्चर देख लो। सर आपका कट हो रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज। तो आप देखोगे सिलेबस ये है ही नहीं, आर्डिनो और रेसबरी पाई और ये सब नहीं है। ये जो सिलेबस बनाया गया है ही समझ में नहीं आ रहा है किस तरह बनाया गया है। तो इसको लेके डेटाबेस घुसाया हुआ, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। इसको इसलिए किया गया क्या? हाँ बोलिए सर। जेयूटी ना दिया? अरे जेयूटी का नहीं है, वीवीयू का ही सिलेबस है जी। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? जो जितना हम अच्छा ये चीज एक एक पार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके आपको कंप्लीट करना होगा। अब थोड़ा चेंज करेगा वो सिलेबस जब तक मेल का रिप्लाई आएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो आपको जो हम मैं तोड़ तोड़ के जो कर रहा हूँ, जैसे कि प्रोटोकॉल्स है तो प्रोटोकॉल्स को उसको याद करना होगा। नेटवर्किंग का जो डिवाइस है तो मतलब कि कनेक्टिंग डिवाइस है उसको थोड़ा सा याद करना है। फिर ये जो टर्म्स है डीबीएमएस का उसको थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट तो अपने समझने का अंडरस्टैंडिंग का ही है, और फर्स्ट यूनिट का भी लगभग पार्ट आईओटी का बेसिक आर्किटेक्चर है और वो सब समझने का है। मेन सेकेंड यूनिट का ही नेटवर्किंग थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कुछ डाउट है मैथमेटिक्स में कुछ समझने तो बोलिए। देखिए आपका सिलेबस को मॉडिफाई किया जा रहा है, ये एक्चुअली इनके पास भी मेन पावर नहीं है। तो अभी जो है कि वीवीयू का ही जो सिलेबस है, क्योंकि वीवीयू का सिलेबस बीआरटी सिंधरी बनाता है और हम लोग के जो यूनिवर्सिटी में सबसे रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट वही माना जाता है, वही चल रहा है। लेकिन जो नए वीसी सर हैं उसको चेंज करते हुए वो देख रहे हैं, जैसे कि रिकमेंड किया गया है कि आप लोग भी मॉडिफाई करके सिलेबस दिए, तो सिलेबस के लिए कमेटी भी बना हुआ है और वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। यहाँ तक इस टॉपिक में अभी कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एक प्रॉब्लम दूंगा आप लोगों को। कोई डाउट नहीं है अनु?
एक डेटा सेट है, क्वेश्चन है, डेटा सेट है, आउटलायर फाइंड आउट करना है बाय प्रोसेस 2, 4, 4, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 14 और 41. तो एक ये पूरा पूरा कंप्लीट डेटा सेट है और इसमें आउटलायर फाइंड आउट करना है. देखिए देखने से ही लग रहा है कि 41 होगा आउटलायर, लेकिन आपको बाय प्रोसेस पूरा ये मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए 5 स्टेप लिख के, तो हो जाएगा. किन्हीं से ऐसा जो इससे नहीं होगा, अभी जस्ट कीजिए, 3 मिनट बाकी है. क्वेश्चन सीख लिए थे? हेलो, नेटवर्क का इशू आ रहा है. हेलो हेलो हेलो, हाँ सर आ रहा है आवाज. हेलो, क्वेश्चन लिख लिए थे? क्वेश्चन है तू, किसी का माइक ऑन, रेखा माइक ऑन है तुम्हारा. हेलो रेखा, माइक ऑन है. हाँ डेटा है 2, 4, 4, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 14, 41. किन्हीं का हुआ है तो बता दीजिए. अब भी हराम लोग रे. अरे रेखा माइक ऑफ करो यार, क्लास से अलाउ नहीं करूंगा तुम्हें. हेलो अरे लास्ट सेमेस्टर के मांगल रे, लास्ट सेमेस्टर के लिए जानता हूँ लेना. सॉल्व हुआ है तो बताइए.
हेलो हेलो किन्हीं का नहीं सुन हुआ अभी तक अभिषेक कर रहे हैं सर इतना टाइम लगेगा इतना टाइम बचा हुआ है इतना ज्यादा तो कैलकुलेशन है नहीं इसमें चिंता नहीं हुआ गजब ऐसा तो कुछ है इसमें फर्स्ट स्टेज सेंड ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है सेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया है तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू टू सेकंड मैक्सिमम वैल्यू 41 थर्ड Q1 तो Q1 के लिए हम लोग को क्या करना है मिल देखना है 1 2 3 4 11 पर है तो मिडिल कौन हो जाएगा 1 2 3 11 by 2 5.56 1 2 3 4 5 6 ये जो वैल्यू है मिडिल पॉइंट हो गया अब क्या है अब इसके भी अब जो फर्स्ट लोअर हाफ है फर्स्ट हाफ है उसका मिडिल कौन होगा 1 2 3 4 5 है 5 by 2 2.5 मतलब थर्ड वन 1 2 3 ये 4 मिडिल हो गया तो Q1 4 हो गया फोर्थ पॉइंट क्या हो गया Q2 अब यहाँ सेकेंड हाफ में देखना है होगा 1 2 3 13 मिडिल क्या करना है I2R निकालना है सॉरी Q3 होगा ये Q3 कितना आएगा ये 9 आ गया IQR जब ग्रेटेस्ट वैल्यू Q3 प्लस 1.5 IQR Q3 कितना है 13 प्लस 1.5 इंटू 9 कितना आ जाएगा 13 प्लस 9 4 माइनस 1.5 इंटू
0.5 तो क्या होगा ये पे 9.5 माइनस में आ जाएगा, तो आपका जो बॉक्स बन रहा है वो आउटलायर नहीं होगा, बाकी आउटलायर होगा। तो आप देखिए जो ये 41 है ये आउटलायर होगा, तो 41 विल बी आउटलायर। तो इतना देर में इतना सा छोटा सा कैलकुलेशन में आप लोग इतना टाइम लग रहा था, यहां तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए आउटलायर नोट करने में। बॉक्स मेथड, पाइप न्यूमेरस मेथड, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। है कि